प्रवास दे सैगमेंट जरनैल बसोता वालों आप सब का स्वागत है। अज के इस प्रोग्राम दे विच असी गलबात करन जा रहे हैं चाइल्ड केयर प्रोग्राम के बारे, जिस दे संबंध में हाल ही दे विच कनेडा की फैडरल सरकार अते अल्बर्टा सरकार दे विच एग्रीमेंट होया है। इस संबंधी गलबात करने लई साडे स्टूडियो मौजूद ने शाहिना तनवीर जी। जी शाहिना जी, स्वागत है आप जी का। थैंक यू सो मच। शाहिना जी, ये बताइए कि जो हाल ही में कनेडा की फेडरल सरकार और अल्बर्टा गवर्नमेंट के बीच एग्रीमेंट हुआ चाइल्ड केयर प्रोग्राम के बारे में, वो क्या है? असल में ये प्रोग्राम जो है, ये सपोर्ट सिस्टम है उन पेरेंट्स के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे पहले भी और अभी भी, उनको सपोर्ट किया है। $10 पर डे का इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। उसमें इन्होंने फैसिलेट किया है कि जो फैमिलीज को वो जॉब पे जाते हैं लेकिन उनके पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो चाइल्ड केयर अफोर्ड कर सकें, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। और इसका जो प्लान इन्होंने लॉन्च किया है वो 5 years का प्लान है। तो इन्होंने जो है वो बेसिकली इसको काफ़ी अरसे से इस पर काम हो रहा था, काफ़ी सारी फंडिंग अप्रूव थी पहले भी लेकिन उसको कट डाउन किया था। लाइक सब्सिडी ऑलवेज़ ये जो है इनका चालकों को सपोर्ट करते थे लेकिन उसकी जो बेनिफिट था वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता था कुछ पेरेंट्स के लिए। उनका एक क्राइटेरिया होता था एलिजिबिलिटी का, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स उसको अवेल नहीं कर पाते थे। लेकिन ये वाला जो एग्रीमेंट है ये हिस्टोरिकल का काफ़ी अच्छा एग्रीमेंट हुआ है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पेरेंट्स को बेनिफिट होगा, उस लिहाज से कि यहाँ पे ज़ाहिर है इकॉनमी में काफ़ी डेफिसिट हुआ है क्योंकि आपको पता है पेंडेमिक से काफ़ी चीज़ों को जो है वो इनके जो सपोर्ट सिस्टम था वो उन्होंने लिया लेकिन उसमें इतना वो प्रैक्टिकल नहीं साबित हो रहा था क्योंकि हर एक स्ट्रगल कर रहा है, एक्सपेंस बढ़ चुके हैं। आप ग्रॉसरी लेने जाएँ तो उसमें इतना ज़्यादा एक्सपेंस होता है, लेकिन इनका जो गवर्नमेंट ने जो इसको लॉन्च किया इसका बेसिक इनका जो पॉइंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज को सपोर्ट किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने ये एक फंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है 5 years के प्लान के हिसाब से, जिसमें ये लोग $10 पर डे का इन्होंने 2025 का और 2026 तक का एक इन्होंने स्टेप लिया है। और नेक्स्ट ईयर अर्ली इन जनवरी में इन्होंने 50% इसको कट डाउन किया है जो फीस का स्ट्रक्चर है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को फ़ायदा होगा, जो अफोर्डेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो ये बताइए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी एग्रीमेंट की, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि प्रीमियर जेसन कैनी एग्री नहीं थे कर रहे, वो इसको अडॉप्ट ही नहीं था करना चाहते तो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको ये अडॉप्ट करना पड़ा, एग्रीमेंट हो गया। तो ज़रूरत क्यों पड़ी एग्रीमेंट की? देखिए यहाँ पे ये सबको पता है कि पिछले 2 साल में काफ़ी सारा स्ट्रगल चल रहा था इकॉनमी वाइज, और उसमें सिर्फ चाइल्ड केयर नहीं है बल्कि जो भी लोग जिनके पास स्किल्स हैं और सभी जॉब करने के चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं, ये रोड ब्लॉक्स हैं उनके लिए क्योंकि फंडिंग प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें गवर्नमेंट को लॉन्च करना चाहिए था पहले भी। एक $25 पर डे का इन्होंने किया था 3 years का प्लान, वो उन्होंने एकदम से कट डाउन कर दिया। उसकी वजह से पिछले कुछ अरसे में चाइल्ड केयर पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ा क्योंकि एक तो पेंडेमिक चल रहा था, पेंडेमिक में घर से काम कर रहे थे लोग तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, कुछ लोग जो है वो करना भी चाह रहे थे लेकिन उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं होती थी, तो बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व थे। और जैसी कैनी का अपना एक पॉलिसीज का एक माइंडसेट है जिसकी वजह से वो उस पर काम कर रहा था, लेकिन जब मिस्टर ट्रूडो उन्होंने दोनों ने कंबाइन इसको जो है वो इसको लॉन्च किया तो ये डेफिनेटली ये बहुत बेनिफिट साबित होगा उन फैमिलीज के लिए जो 2 साल से स्ट्रगल में थे। आप ये देखें कि जब ये पेंडेमिक का सिलसिला हुआ था काफ़ी बेनिफिट लोगों को देने की कोशिश की, ये वेलफेयर कंट्री है और यहाँ पे जो भी फंडिंग प्रोग्राम लॉन्च हुए थे वो इनफ नहीं थे, इवन दो काफ़ी कुछ हुआ है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ अल्बर्टा में काफ़ी जो लोगों को प्रॉब्लम्स आई है क्योंकि फंडिंग जो है वो कट डाउन हुई है, चाहे वो एजुकेशन को ले लें, चाहे आप चाइल्ड केयर को ले लें, मेडिकल उसको ले लें डिपार्टमेंट को, तो हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में गई थी। तो जब वो $25 पर डे का जो निकाला था फंडिंग प्रोग्राम थ्री इयर्स का, उसको जब ख़त्म किया तो उसमें सबसे ज़्यादा चाइल्ड केयर पर असर पड़ा था क्योंकि वहाँ से फिर जो है वो लोगों ने, क्योंकि आप कौन $1,000 पर मंथ पे कर सकता है, तो उन्होंने अपने बच्चों को निकालना शुरू कर दिया। जब बच्चों को निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे, उनको तो जॉब्स करनी है। तो इस एग्रीमेंट का जो फेडरल सरकार और अल्बर्टा सरकार के बीच हुआ है,
पेरेंट्स को क्या फ़ायदा होगा? पेरेंट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि देखें, इसमें दो फ़ायदे हैं, एक सिर्फ पेरेंट्स को नहीं है बल्कि अल्बर्टा में जॉब्स क्रिएट होंगी, क्योंकि चाइल्ड केयर का आप देखें कि जो पहले क्राइटेरिया था वो लाइक अप टू 90,000 की सब्सिडी थी इस वक्त, अब इस प्रोग्राम से 120 कर दिया इन्होंने, इंक्रीज़ किया है 40,000 का, तो 40,000 की वजह से जो क्राइटेरिया है वो बढ़ चुका है. इसमें अप टू 90,000 में इन्होंने 3 ब्रैकेट में रखा था उसको, जो ग्रॉस इनकम थी उसकी एलिजिबिलिटी डिफरेंट थी, अब इन्होंने इसमें 120 किया है, तो जो हाउस होल्ड इनकम है उससे लोगों को एलिजिबिलिटी में ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अवेल कर सकेंगे. और उसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि देखें ना, यहाँ इकॉनमी जो है वो अप एंड डाउन में रहती है, और जब से पेंडेमिक हुआ है तो काफ़ी डाउन चला है, सबको पता है कि सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसमें आप जॉब्स क्रिएट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड केयर के जो है वो लॉन्च होंगे. अभी 42,500 का जो है वो एक प्रोजेक्शन की है इन 5 years में कि उसको लॉन्च किया जाएगा, चाइल्ड केयर क्रिएट की जाएंगी, लाइसेंस चाइल्ड केयर. इसमें आउट ऑफ स्कूल प्रोग्राम नहीं है, और इसमें जो है वो अनलाइसेंस चाइल्ड केयर नहीं शामिल है. इसमें 0 to किंडरगार्टन का क्राइटेरिया है, और वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया, क्योंकि जो मंथली पे मंथली जो बनती है फ़ी वो ऑलमोस्ट 1,000 बनती है, जो कि बहुत मुश्किल होता है अफोर्ड करना. लेकिन इस प्रोग्राम से जनवरी से जो स्टार्ट होगा उसमें 50% का एक डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें वो बहुत बड़ा फैक्टर है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो उसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे. एक तो उनका सेविंग होगी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बच्चों को डाल सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरत है. ये सारी चीज़ें जो है वो लॉक में आ रही थी इस वक्त. जी, तो ये तो हो गया पेरेंट्स का. अब डे केयर ओनर्स हैं जो, उनको क्या फ़ायदा होगा इसका? लेकिन डे केयर ओनर्स को तो देख, ये जो जब पेंडेमिक आया था तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ था वो डे केयर्स को हुआ था, क्योंकि उसमें उनको चाइल्ड केयर जो है वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे पेरेंट्स, तो उनका बिज़नेस काफ़ी लॉस में गया था, उनका रेवेन्यू काफ़ी डाउन हुआ था. तो इस प्रोग्राम से ज़्यादा फैमिलीज उसको अवेल करेंगी, तो ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगा उनकी, उनका बिज़नेस इंक्रीज़ होगा, तो उनके जो चाइल्ड केयर के जो नॉन प्रॉफिट हैं या प्रॉफिट चाइल्ड केयर्स हैं, उनको इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उनके उनको वर्कर्स मिलेंगे, उनको इंक्रीज़ करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड केयर और ज़्यादा लॉन्च करेंगे पूरे अल्बर्टा में, और जॉब्स क्रिएट होंगी. सबसे बड़ा ये कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर बच्चे नहीं हैं तो उनका बिज़नेस नहीं है, तो उनको लेड ऑफ करना पड़ता है स्टाफ को, तो सब कुछ जो है वो ब्लेंडेड है. लाइक इट्स नॉट जस्ट के पेरेंट्स को ही फ़ायदा होगा, इसमें बिजनेस ओनर्स को फ़ायदा होगा, इसमें एजुकेटर्स को फ़ायदा होगा जो कि जॉब लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है क्योंकि उनके पास बिजनेस नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें. तो अभी आपने बोला एजुकेटर को फ़ायदा होगा, एजुकेटर को क्या फ़ायदा होगा? उनकी तो तनख्वाह तो उतनी रहेगी, क्या उनकी भी जो जो एजुकेटर है उनकी सैलरी बढ़ेगी? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया. एक्चुअली अभी जो है इस पर काम हो रहा है, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सेंसिटिव है और बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन भी है एजुकेटर्स को लेकर, क्योंकि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और इनके लिए अभी तक कोई ऐसा बेनिफिट लॉन्च नहीं हुआ है. तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसपे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा वॉइस यूज़ की जाए. और एक प्लेटफॉर्म जो है अभी मुझे पता चला है, कोलेशन के नाम से, कोलेटेशन के नाम से उसका वो लॉन्च हुआ है ECS के, तो उसमें जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हैं वो, और उनका इंस्टाग्राम पे भी वो लॉन्च कर रहे हैं, फेसबुक पे भी काम कर रहे हैं वो, तो पटिशन फाइल कर रहे हैं. पटिशन जब फाइल होगी तो फिर गवर्नमेंट को थोड़ा पुश मिलेगा. और जो ये 2008 से जो इन्होंने टॉप पेज का जो एक एक वो रखा हुआ रेशियो, उससे वो उन्होंने कोई इसमें अपडेट नहीं की अब तक. और चाइल्ड केयर जो है वो चलता है किससे? एजुकेटर से ही चलता है डेफिनेटली. अगर एजुकेटर्स को आप प्रमोट नहीं करेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भी नीड्स है ना, वो ऐसे तो जॉब नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो सारा एग्जैक्टली वही. तो उसमें सबसे जो अच्छी बात ये है कि लोगों को अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि उनको अब वॉइस कैसे यूज़ करनी है, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके एक इस पे काम करना चाहिए. अब ये जो फंडिंग प्रोग्राम है ये कोई एक दो दिन का तो काम है नहीं, इससे काफ़ी अरसे से इस पे बात चल रही थी, डिबेट्स हो रही थी और पुश किया जा रहा था गवर्नमेंट को कि किस तरह से सपोर्ट की जाए पेरेंट्स को. तो ये इवेंचुअली पिछला जो भी इस पे काम हुआ है उसका रिजल्ट अब आपके सामने. इसी तरह अब जो एजुकेटर का है
उसको काफ़ी अर्सा हो गया कि उसमें कोई अपडेट्स नहीं हुई है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। जो भी कुछ हुआ है वो जो बिज़नेस ओनर्स हैं उन्होंने अपने तौर पे किया है, क्योंकि उनको ज़ाहिर है जब चलाना है बिज़नेस तो उनको भी अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो आखिर में फैमिलीज़ क्या रोल प्ले कर सकती हैं इसमें, क्या करना चाहिए उनको? फैमिलीज़ को जो है अभी से, क्योंकि उनको पता है कि ये अर्ली इन 2022 का प्लान है जिसमें हाफ इनकी जो है वो फी स्ट्रक्चर है, तो अभी से उनको जॉब्स लाइनअप करनी चाहिए अपने लिए, अपना एक गेम प्लान बनाना चाहिए जिसमें वो किस तरह से इस जो उनकी सेविंग होगी उसको यूटिलाइज करना है, चाहे वो आप एजुकेशन का सेविंग पॉइंट देख लीजिए या अपनी रिटायरमेंट प्लान आप बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें ये अभी से उनको उस पर होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया, एग्रीमेंट साइन हो चुका है, तो ये तो आपको सबको पता है कि ये अब होने ही वाला है। लेकिन जब आप गेम प्लान बनाते हैं तो सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है जी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इस वक्त टाइम है एंड ऑफ द ईयर के इस पे अगर अभी से थोड़ा सा किया जाए, क्योंकि जॉब्स क्रिएट होना शुरू हो गई है, चाहे वो चाइल्ड केयर हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो। बिल्कुल, तो उसको अवेल करें, सर्च करें जॉब्स को, अपना प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें और जो भी आपका रिज्यूम है उस पर काम करें। जो भी आपको नीड है, रिसोर्सेज हैं, उसके लिए एजेंसीज मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, तो उनको उनसे आप गाइडेंस लें। और इसमें आप जो लेवल्स होते हैं चाइल्ड केयर के 1, 2, 3, उसमें अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो उस पर काम कीजिए। अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए और इसमें डेप्थ की, तो आप उसकी जो है वो गो थ्रू करें, इसका चाइल्ड केयर सब्सिडी का जो साइट है उसको विजिट ज़रूर करें, क्योंकि उसमें सारी अपडेट्स मिलती हैं, आपका क्राइटेरिया क्या है, आपकी जो असेसमेंट किस तरह, इक्वलिटी क्या होगी, तो सारा कुछ उसमें क्लियरली बताया हुआ है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से उसको जो है अवेल करते हैं, कौन से स्टेप्स लेते हैं, और उन लोगों से कनेक्ट हों जो आपको हेल्प कर सकते हैं। चाइल्ड केयर के जो लोग हैं वो चाइल्ड केयर को अच्छे से समझते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड है, जैसे इंजीनियर फील्ड है, इसी तरह आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए, जो घर बैठी खवातीन हैं जो करना चाहती हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, वो ज़रूर आगे बढ़ें, क्योंकि ये अब उन्हीं के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे बढ़ें। शाइना जी, बहुत मेहरबानी ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू सो मच। आस करते हाँ तुहानू साडा अज दा प्रोग्राम पसंद आया होवेगा। इस प्रोग्राम विच कोई भी इश्तिहार या सूचना देन संबंधी तुसी इस प्रोग्राम दे प्रोड्यूसर अते डायरेक्टर नू संपर्क कर सकते हो। सो एसी साडा अज दा प्रोग्राम, अगले हफ्ते फिर मिलन दे वादे नाल, तेगमित नू दियो इजाजत, सत श्री अकाल।